समस्याएं हैं सुधार करना सके। तो एक होता है कि हमने एकेडमिशियंस को पूछा कि वो उस दौर से नहीं गुजर रहे हैं जिस दौर से एक आम औरत गुजरती है, से वो दौर सुना है, देखा है, हो सकता है मगर गुजरा नहीं है। तो हम ऐसे लोगों से बड़ा दौर समझ से देख रहे हैं। अगर वो हमें बताए कि परेशानियां क्या क्या है और हल भी आप ही बताइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसकी परेशानी होती है उसको उसका हल मालूम होता है, बस वो हल मिलना है तो हम चाहते हैं कि एडमिशन नहीं ले पाएंगे। या अगर हमने फीस के पैसे जैसे तैसे जमा कर लिए या कोई रसीद मिल गया और हमें एडमिशन मिल गया, या वो आम पुलिस से संबंधित हो, कोई भी परेशानी को आप खुल के बगैर किसी हिजाब के कि हम कहेंगे तो क्या इसका होगा, खुल के कहिएगा। जो भी कहेगा वो पहले अपना नाम तो बता देगा, क्या करती है वो ये जरूर बताए, फिर उसके बाद बताएगा। और फिर लास्ट में अगर आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहें है, मैं शाहिन की करता धरता हूँ। आज हम नेशनल वीमेन कमीशन के साथ हमारी मीटिंग है, जिसमें हम ये उम्मीद लेके आए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पुराने शहर में हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, जो छोटी बच्चियों की शादी बूढ़े अरबों से की जा रही है उसको ख़त्म करना चाहिए, और उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या इंतज़ाम चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट करनी चाहिए, उसके बारे में हम आज फोकस करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये कानून बदले और 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी ना हो, चाहे वो किसी भी कितनी भी गरीब हो। और अगर कहीं भी शादी हो रही है और लड़की इन्फॉर्म करती है तो लड़की के माँ बाप को हरगिज़ पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि वो बहुत मुसीबत ज़्यादा लोग होते हैं। जो बीच के लोग हैं उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। जो पुराने शहर में जो पहलवानी चल रही है, पहलवानों को भी हम चाहते हैं कि पकड़ा जाए और ये तमाम पुराने शहर में एक शांति हो, औरतों को उनके हक मिले और उनकी जिंदगी